गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैस। एंड आई हैव सीन योर कमेंट्स एंड मैसेजेस ऑल्सो, एंड आई फाउंड दैट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू मेक अनदर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टूडेज थॉट फॉर द डे 7 जुलाई 2020। हमारे वचन चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु दुनिया हमें हमारे कर्मों के द्वारा पहचानती है। थैंक यू। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ पीजीडीटी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, हम वन बाय वन गो थ्रू होंगे पर्टिकुलर बुक्स से। तो आज हम एक बार देख लेते हैं कि हमें एक्चुअल में कितनी बुक्स पढ़नी है। एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। देखिए, सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस पीजीडीटी 01, ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं पीजीडीटी 01, पीजीडीटी 02, पीजीडीटी 03, ये जो हैं ये सब्जेक्ट्स के नेम हैं। इन सब्जेक्ट्स के अंदर ये सारी बुक्स हैं जो हमें स्टडी करनी है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरह से, मतलब कितनी बुक्स हैं। वेट, लेट मी शो यू। सी, ये जो बुक्स हैं ये दिस इज पीजीडीटी 01, देन पीजीडीटी 1 बुक, 2 बुक, दिस इज 3, 4, 5, ये फर्स्ट जो आपका पेपर है उसके लिए बुक्स है। देन आफ्टर दिस इज पीजीडीटी 02, एंड आपको पीजीडीटी 02 के अंदर भी सेम इक्वल बुक्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंड सेम बुक्स जो है पीजीडीटी 03 में है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दिस इज पीजीडीटी 04, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पेपर रहेगा, भाषा अनुवाद की अवधारणा और अनुवाद। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7। तो लेट अस डिस्कस अबाउट ऑल दिस बुक्स। सो कम टू द पॉइंट, मैं आपको एक बार इन सभी के नाम बता देती हूँ और हम किस तरह से इनको पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता देती हूँ इस वीडियो में। अनुवाद का अर्थ, सब्जेक्ट फर्स्ट, अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि, अनुवाद का अर्थ, परंपरा और महत्व। सेकंड बुक, अनुवाद की प्रक्रिया, प्रकार एवं सीमाएं, अनुवाद के साधन, उपकरण, अनुवाद के स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की तुलना, अनुवाद के अन्य रूप, अनुवाद की पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा। सो ये जो पूरा है इसके अंदर हमें बेसिक पता करना है कि अनुवाद होता क्या है एक्चुअल में। अनुवाद के अंदर आप स्रोत भाषा किसे कहते हो, बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है ध्यान से वो है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा जो है ये बेसिक है इसके अंदर, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि अनुवाद का अर्थ क्या है, अनुवाद का मूल्यांकन क्यों जरूरी है, उसकी समीक्षा करनी क्यों जरूरी है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन में बनते हैं। सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड जो बुक है, मतलब सेकेंड जो सिलेबस है हमारा, सब्जेक्ट सेकेंड जो है वो है अनुवाद का भाषिक और सामाजिक पक्ष। इसमें भाषा का अर्थ और प्रकृति, शब्द निर्माण और पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी भाषा और मानकीकरण, अनुवाद का सामाजिक संदर्भ, शिक्षा में अनुवाद, भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अनुवाद। सो सी, जो पीजीडीटी 02 के अंदर लास्ट बुक है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, जो हमारी पीजीडीटी 04 के जो सिलेबस है पूरा वो सारा इसी से रिलेटेड है। पीजीडीटी 03 व्यवहारिक अनुवाद के
विविध स्तर और क्षेत्र। वाक्य रचना की संरचना, विश्लेषण, तुलना और पुनः सृजन पार्ट वन। सेकंड जो बुक है उसके अंदर इसी का पार्ट टू आएगा। पर्याय चयन और जटिल वाक्य, विशिष्ट प्रयोग तथा अनुवाद, सारानुवाद, आशु अनुवाद। आशु अनुवाद, आशु से आप समझ ही रहे हैं, आशु का मतलब ही छोटा होता है, तो हम अनुवाद के अंदर सारानुवाद क्या होता है और आशु अनुवाद क्या होता है इसको डीपली डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रशासनिक अनुवाद, भाषिक प्रयुक्ति की अवधारणा और अनुवाद। प्रशासनिक कार्य में हिंदी का प्रयोग, हम जनरली ऑफिस में देखते हैं कि जैसे राजभाषा हिंदी है, इंग्लिश है, दोनों में ही काम होता है, लेकिन जनरली जो भी ड्राफ्टिंग का काम होता है या किसी भी आप बड़े किसी कंपनीज में देख लीजिए या फिर ऑफिस में आप देख सकते हैं कि जैसे लोग जो होते हैं वो इसी ये जो कोर्स करके ही उनको अपॉइंट किया जाता है, उनके पास में जो सर्टिफिकेट कोर्स है डिप्लोमा का ये होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो वो पोस्ट होती है ट्रांसलेटर की डिफरेंट फील्ड्स में आप उसके लिए एलिजिबल तभी हो सकते हो जब आपके पास में बेसिक डिप्लोमा कोर्स होता है। पारिभाषिक शब्दावली, विविध प्रकार की प्रशासनिक सामग्रियों का अनुवाद। कार्यविधि साहित्य का अनुवाद, बैंकिंग क्षेत्र में अनुवाद, हम ये इसके अंदर प्रशासनिक अनुवाद यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम जो ट्रांसलेशन करते हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर हम किस किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं उसके बारे में हम इसमें सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। कार्यविधि साहित्य का अनुवाद, बैंकिंग क्षेत्र में अनुवाद, अनुवाद व्यवहार। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या सब स्टडी करना है, लेकिन मैं आपको कुछ मेरे पास में कमेंट्स आए थे तो उनमें मुझे आपसे दो चीज़ें डिस्कस करनी है। फर्स्ट तो ये कि मैंने स्लाइड्स नहीं बना के आपको राइटिंग, व्हाई आई एम शोइंग यू माय हैंड राइटिंग, व्हाई आई एम यूजिंग माय हैंड राइटिंग व्हाइल मेकिंग द वीडियोस, मैंने ऐसे कुछ कमेंट्स रीड किए और मुझे कुछ मैसेजेस भी आए और यही बोला गया है कि आप स्लाइड्स यूज कीजिए या फिर आप इस तरह से वीडियो बनाइए जिनके अंदर आप थोड़ा सा एडिटिंग कीजिए, लेकिन सी दिस इज अ वीडियो टू हेल्प सच काइंड ऑफ पीपल हु नीड द हेल्प व्हाइल डूइंग दिस ट्रांसलेशन कोर्स। तो ये कोई एक 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 एजुकेशनल हेल्प है इसके अंदर मुझे कुछ ऐसा दिखाने की या स्लाइड्स बनाने की अभी मेरे को लगा नहीं कि जरूरत महसूस हुई हो, क्योंकि आप जो मार्क्स गेन करोगे वो मार्क्स आपकी हैंड राइटिंग आपको दिला सकती है, साथ में वे ऑफ राइटिंग आप कैसे एक आप किस तरह से लिखते हो, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, साथ में आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो या नहीं करते, कैसे अल्फाबेट्स यूज करते हो, जैसे स्टार्टिंग लेटर शुड बी कैपिटल, देन फुल स्टॉप, हाउ टू यूज फुल स्टॉप एंड ये सब जो चीज़ें होती हैं इनसे आपको एग्जाम्स में मार्क्स मिलते हैं। थ्योरी के पेपर में तो ये सबसे मस्ट है। तो मैं जैसे इन वीडियो के अंदर आपको मेरे नोट्स के थ्रू दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो लिखा जाता है या क्या पैटर्न होता है लिखने का, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके भी अपने मार्क्स जो हैं उनको काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, जो डिस्टर्बेंस अगर फैन से क्रिएट हो रही है या किसी और चीज़ से, तो वो धीरे धीरे, दीज आर यू नो नॉट द ऑब्स्टिकल्स इफ़ वी थिंक, इफ़ वी आर डूइंग समथिंग इन अ ग्रेट वे, सो वी शुड नॉट थिंक अबाउट दीज माइनर थिंग्स। एंड थैंक यू, इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye-bye, take care, stay at home, stay blessed, stay healthy and do exercise. Bye-bye.